हम इसको देखते हैं डी स्टूडेंट्स के बाद अकात जो हैजेड्स हैं वो केमिकल नेचर की होती हैं इंडस्ट्रियल नेचर की होती हैं बाद अत सेफ्टी नेचर की होती हैं अभी हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि केमिकल्स इनकलूडो गैसेज डस्ट फ्यूम्स आर इधर स्किन क्वेश्चन ये है कि हैजर्ड्स चाहे केमिकल हों फिज़िकल हों इन सब को जानना अलहदा साइंस है अलीहदा आर्ट्स है और इसके अलावा फिर इन चीज़ों को देखते हुए इनको मैनेज करना ये एक अलहदा वे है अगर आप इनको असेस कर लें उसके बाद इनको कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल देर आर फ्यू बायोलॉजिकल हैजर्ड्स है मोल्ड फंगी बैक्टीरिया इंसेक्ट्स इन चीज़ों से ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं और कैसे होती हैं फर्दर फूड वेस्ट वाटर इंसेक्ट ड्रॉपिंग ये वो चीज़ें हैं बेसिक बैक्टीरिया जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और उसके बाद इनकी वजह से ये चीजें पैदा हो सकती हैं टॉक्सिक सब्सटेंस डिफाइंड एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस इज़ वन दैट हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ ए पर्सन आर एनिमल टॉक्सिक इफेक्ट आर फंक्शन वन प्रॉपर्टीज ऑफ दिक नंबर टू अमाउंट ऑफ द डोज लेवल ऑफ एक्सपोजर रूट ऑफ एंट्री रिजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल टू द सब्स्टेंट्स ये वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें इफ़ेक्ट होता है कि जो टॉक्सिक सबस्टेंट्स हैं वो किस हद तक किसी इम्प्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं एंट्री पॉइंट फॉर टॉक्सिक एजेंट्स कहाँ से इनहेल से जैसे मैं सांस लेने लगा इनहेल कुछ इीज़ मेरे अंदर जा रही है दिस इज़ एंट्री पॉइंट फॉर टॉक्सिक थिंग एब्जॉर्बशन इंजेक्शन इंजेस्टन ये जितने भी पॉइंट हैं डी ये स्टूडेंट्स इनको देखें आप लोग इनहेलेशन स्किन अब्जॉर्शन इंजेक्शन इनजेन ये चारों चीज़ें क्या हैं ये चारों चीज़ें बेसिकली एंट्री पॉइंट फॉर टॉक्सिक एजेंट्स हैं इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सबस्टांसिस्यूट इफेक्ट एक्यूट इफेक्ट वो है जो वन टाइम हुआ ठीक हो गया क्रोनिक इफेक्ट वो है जो कि लंबे अस्से तक होता है बाद में ठीक हो जाता है

फॉर एक्जाम्पल इसकेटिक्स कौन से हैं कंटिन्यूल एक्सपोजर ओवर टाइम लिमिटेड कंसनट्रेशन ऑफ टॉक्सिक और लास्ट इसके जो इंपॉर्टेंट टू पॉइंट हैं वो ये हैं प्रोग्रेसिव अकामोलेशन इसमें ग्रेजुअली इजाफा भी हो सकता है और कमी भी हो सकती है और लास्ट पॉइंट वर्कर आर नो अवेयरनेस एक्सपोय जो इफेक्टेड वर्कर है उसको उस चीज़ का इलम ही नहीं होता ये चारों चीज़ें थी क्या ये थी कि अगर कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो जाता है आपकी बॉडी पे स्किन पे ऑब्जॉर्व आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन ये है कि पहली बात है उसको होना ही नहीं चाहिए दूसरी बात है कि अगर वो चीज़ हो गई है उसको किस तरह करेक्ट करना है तीसरी बात यह है कि अगर आप एस ओ पीज को फॉलो करते तो ये चीज़ इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय की हेल्थ को इफेक्ट कर ही नहीं सकते थे